अस्सलामु अलैकुम। आज हम नया चैप्टर कर रहे हैं, हाउ सईदास ड्रीम केम ट्रू। हाउ कहते हैं क्या, कैसे, सवाल या अंदाज है। ड्रीम कहते हैं ख्वाब को, ड्रीम ख्वाब, जो बंदा एक ख्वाब देखता है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। कम ट्रू हकीकत बन जाने को कहते हैं। तो हम आज इसका तर्जमा अल्फाज मानी देखेंगे। सईदा बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव एंड पुअर फैमिली वेयर गर्ल्स डिड नॉट हैव एनी इम्पोर्टेंस। तो हम इसमें से एक एक वर्ड का जो है पहले मानी देखते हैं, फिर हम उसका बाद मुहावरा तर्जुमा करेंगे। तो बिलोंग्ड का मतलब होता है ताल्लुक रखना, ठीक है। कंजर्वेटिव कदामत पसंद, आपके लिए मैंने इसके प्रोनंसिएशन भी लिखी है और तर्जुमा भी। इम्पोर्टेंस अहमियत, किसी चीज को अहमियत देना। सईदा एक बहुत कदामत पसंद और गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, जहां लड़कियों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, ठीक है। खानदान फैमिली को कहते हैं। दे वर इवन नॉट allowed to get education। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि allowed का मतलब होता है इजाजत देना, यानी किसी को कोई काम करने देना, इजाजत देना। education तालीम हासिल करने को education कहते हैं। प्यारे बच्चों, education जो है वो key to success है। अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो एजुकेशन हासिल करें। ये जिस तरह सीढ़ियां चढ़ते हैं, इसी तरह आपको बुलंदियों पे ले जाती है। और कहा जाता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, सबसे जो पावरफुल जो है वो एजुकेशन है, ठीक है। उन्हें तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं थी। तो हम सईदा के खानदान की बात कर रहे हैं कि वहां उनको तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं थी। तो अगला इसका सेंटेंस है, हर पेरेंट्स लव्ड हर ब्रदर्स एंड शी वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा। तो उसके खानदान में क्या होता था, पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। पेरेंट्स कहते हैं वालदैन को, माँ और बाप, और लव्ड कहते हैं मोहब्बत करने को, लव्ड मोहब्बत करना, किसी को अहमियत देना, उसका ख्याल रखना। ब्रदर्स भाइयों को ब्रदर्स कहते हैं, यानी सईदा की फैमिली में उसके भाइयों को अहमियत दी जाती थी, ऑलवेज हमेशा, ठीक है। और ट्रीटेड का मतलब होता है सलूक करना, कि लड़कियों के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। कैसा सलूक किया जाता था, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है जैसे कोई चीज फालतू हो, अजाफी हो, बस आ गई है तो आ गई है, पड़ी है तो पड़ी रहे। उसके वालदैन उसके भाइयों से मोहब्बत करते थे और उसे हमेशा बोझ समझा जाता था। एक्स्ट्रा या अजाफी का बा मुहावरा तर्जमा होता है बोझ समझना। नेक्स्ट सेंटेंस है, द होल डे शी यूज टू हेल्प हर मदर इन हाउस चोर्स एंड स्क्रैप पिकिंग। अब हम इनका वर्ड बाय वर्ड तर्जमा देख लेते हैं। होल डे का मतलब होता है तमाम दिन या सारा दिन, यानी वो सारा दिन क्या करती थी, यूज टू आदि होना, यानी उसकी रूटीन जो है वो सारा दिन क्या थी, हेल्प। हेल्प कहते हैं मदद को, किसकी वो हेल्प करती थी, मदर, अपनी माँ की। मदर कहते हैं माँ या वालदा को, और माँ और अपनी माँ की किस बात में मदद करती थी, हाउस चोर्स। हाउस चोर्स कहते हैं घरेलू काम का काज। लड़के और लड़कियों को घर में अपने माँ बाप की मदद करनी चाहिए, जैसे बिस्तर तय करना, सफाई करना, पौधों को पानी देना, बर्तन धोना। और स्क्रैप कहते हैं काठ कबाड़ को, और पिकिंग कहते हैं चुनने को, पिकिंग चुनना, किसी भी चीज को नीचे चुनना। पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है, आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कूड़े में से काम की चीजें चुन रहे होते हैं,
जैसे कागज है, लोहे के टुकड़े हैं, प्लास्टिक है, फिर वो इनको इकट्ठा करके बेचते हैं और माँ बाप का हाथ बटाते हैं। तो वो सारा दिन घरेलू काम काज में अपनी वालदा की मदद करती और काट खबाड़ चुनती। तो प्यारे बच्चों, ये मुश्किलात के साथ भी आपको अपनी एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर करें।